अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ऑफ एस्पायरिंग होम्स। मेरा नाम मोहम्मद हसन और आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल किस्म का क्लासिकल घर लेके आए हैं। दिस हाउस इज डिजाइंड एंड बिल्ड बाय गोरमे होम्स और इसको फर्निश भी गोरमे फर्नीचर ने किया है, तो बड़ी ही जबरदस्त किस्म की कोलैबोरेशन है और बहुत ही खूबसूरत किस्म का इंटीरियर है इसका, तो आपको घर के अंदर लेके चलते हैं। हम घर पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का क्लासिकल एलिवेशन है और अगर आप गैराज की बात करें तो आपके पास इजीली 2 कार्स का फुल साइज़ का गैराज आ जाता है। नीचे भी अगर आप देखें तो फुल गैराज के ऊपर टाइल्स का यूज़ किया गया है और फ्रंट पे ट्रेवर्टिन स्टोन है, साथ आपके पास रॉक वॉल है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी एम्बियंस है। आप एक छोटी गाड़ी यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो आपके पास 3 कार्स का इजीली गैराज आ जाता है। और सामने अगर आप चेक करें तो आपके पास लॉन का व्यू है, बहुत ही खूबसूरत किस्म की इसकी बाउंड्री वॉल है, गेट का डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त है, इस पे जो है वो पैनलिंग है, साथ इसमें रॉट आयरन का ब्लैक गेट है। यहाँ पर अगर आप प्लांटेशन चेक करें तो इम्पोर्टेड बॉन्साई प्लांट हैं यहाँ पे और कोन्स हैं, फुटबॉल्स हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के फ्लावर्स हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्म का आपका यहाँ पर लॉन आ जाता है। पीछे इसमें परकिंस का बहुत ही फिट किस्म का यहाँ पर आपके पास जनरेटर आ जाएगा, तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली। साइड पर 2 गलियाँ आ रही हैं जो कि आपकी स्पेस छोड़ते हैं और एंट्रेंस अगर आप चेक करें तो मैसिव किस्म की आर्च है और ऊपर कैनोपी है, कैनोपी के ऊपर भी इन्होंने टेराकोटा टाइल का यूज़ किया है और एंट्रेंस के ऊपर 2 स्टेप्स हैं। सामने पैराडीजो मार्बल है और साथ आपके पास फुल साइज़ की स्लैब आ जाती है। एंट्रेंस डोर भी अगर आप चेक करें तो बहुत ही खूबसूरत किस्म का हैंडल आ जाता है, ब्लैक रॉट आयरन की कर्व्स में इसके डिज़ाइनिंग है, साथ सॉलिड वुड है और प्लस ग्लास है, तो हर तरह का मटेरियल भी इस डोर के अंदर यूज़ हो गया। घर के अंदर चलते हैं, घर के अंदर चल के चेक करते हैं घर के अंदर क्या क्या है, सो फॉलो मी। घर के अंदर आते साथ ही आप देख सकते हैं कि आपको डबल हाइट लॉबी वेलकम करती है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इंटीरियर है। ओवरऑल वॉल्स टोटली वाइट हैं और अगर आप सीलिंग चेक करें तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अप एंड डाउन हैं। यहाँ पे टोटल कॉफर सीलिंग है और साथ अगर आप देखें तो उसमें SMB लाइट्स का यूज़ किया गया है। सेंटर में एक ह्यूज किस्म का शैंडलियर आ जाता है और अगर आप लॉबी का डिज़ाइन चेक करें तो नॉन कन्वेंशनल है, बाकी घरों से बहुत ही मुख्तलिफ है। इसकी जो रेलिंग है स्टेयर केस की वो सॉलिड वुड की है और साथ इसमें जो ग्रिल यूज़ की गई है वो रॉट आयरन की है, तो कम्प्लीटली एक मैसिव किस्म की स्टेयर केस की लुक आ रही है यहाँ से। अगर आप फ्रंट पे राइट साइड पे देखें अपने तो आपके पास एलिवेटर आ जाता है, पाउडर रूम आ जाता है, फुल फीचर्ड वॉल है यहाँ पे ऊपर, इवन के लॉबी को ठंडा करने के लिए भी एयर कंडीशनर पीछे इंस्टॉल एंड स्पेशली इसमें जितने भी इन्वर्टर्स हैं वो टोटली सैमसंग के हैं और स्मार्ट इन्वर्टर्स हैं। यहाँ से अगर आप चेक करें तो आपके पास ब्राउन एंड गोल्ड में एक प्रॉपर कंसोल है, ऊपर डेकोर पड़ा हुआ है और साथ मोल्डिंग जिस घर की बहुत ही टॉप क्लास है। यहाँ से आपकी एंट्रेंस आ जाएगी आपके टीवी लाउंज की तरफ, डाइनिंग एरिया की तरफ एंड वहाँ से आ जाता है ड्राइंग रूम। अगर आप ये एरियाज भी चेक करें तो नीचे एक सेंटर में फुल वॉकिंग कारपेट आ जाता है और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बेंच है। पीछे की वॉल को फीचर वॉल बनाया गया है, पीछे जो मिरर यूज़ किया गया है उसकी कटिंग्स एंड उसकी जो बॉर्डर्स हैं बड़े ज़बरदस्त हैं। यहाँ से हम चलते हैं इसके ड्राइंग रूम के अंदर एंड स्पेशली इसके नीचे अगर आप देखें तो हाई ग्लॉस वुडन फ्लोरिंग आ जाती है, सॉलिड एश वुड के डोर्स हैं एंड हैंडल्स आर वेरी यूनिक, वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ से अगर आप चेक करें तो इसकी ओवरऑल रॉयल स्टाइल की वाइब है, टोटल क्लासिकल हार्ड कोर क्लासिकल किस्म का थीम है यहाँ पे और ऑफ वाइट एंड क्रीम कलर्स का ज़्यादा यूज़ किया गया है। अगर आप सोफ़ाज चेक करें तो गोल्ड लीफिंग के साथ इसकी सॉलिड वुड को इन्होंने गोल्ड किया हुआ है और साथ टेक्सचर्ड फैब्रिक इस पर आ रहा है। पिलोज भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के डिफरेंट किस्म के फैब्रिक्स में इन्होंने दे दिए हैं यहाँ पे और 2 आपकी रॉयल स्टाइल की विंग चेयर्स आ जाती हैं और सामने आपकी फायरप्लेस आ जाएगी। इसके ऊपर भी मार्बल टॉप है निश के ऊपर एंड डेकोर यहाँ पर आ जाता है। पीछे एक वॉल आर्ट हुआ है, हैंड पेंटेड आर्टवर्क है और यहाँ पर आपके पास स्टेनलेस स्टील की गैस के साथ आपकी फायरप्लेस आ रही है। ये भी वॉल की पूरी प्रॉपर कॉम्पोजिशन है, साइड एंड टेबल्स पे लैंप्स आ रहे हैं, पीछे अगर आप देखें तो इन्वर्टर AC आ रहा है और पीछे एक ज़बरदस्त किस्म की कैलीग्राफी आ जाती है। यहाँ से चलते हैं इसके डाइनिंग एरिया की तरफ, डाइनिंग एरिया भी आपको दिखाते हैं। गोरमे होम्स ने इसमें बहुत ही मेहनत से इस घर को जो है वो बिल्ड किया और आप देख सकते हैं कि क्वालिटी आपको इसमें हर चीज़ में नज़र आ रही है और इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी इसमें कहीं पर भी ये पीछे नहीं है। इवन कि आपको एक स्पेशल बात बताऊँ, इस घर में जो टोटल फर्नीचर है वो गोरमे होम्स का है, डोर्स किचन जितने भी इसमें आपको फीचर्स नज़र आ रहे हैं तकरीबन गोरमे फर्नीचर्स ने इसको सारा का सारा बनाया हुआ है। यहाँ से अगर आप डाइनिंग चेक करें तो 8-सीटेड डाइनिंग है, स्लाइडिंग डोर्स हैं इसके एंट्रेंस के और साइड दोनों साइड पे आपके पास कंसोल आ रहे हैं, दोनों ही डिफरेंट यूनिक डिज़ाइन के हैं। ऊपर ग्रेनाइट टॉप है और यहाँ पे आपका मिरर आ जाता है ताकि आपकी जो स्पेस है वो थोड़ी सी वाइड हो जाए। और अगर आप इस डाइनिंग की जेस्टर्स देखें तो बहुत ही खूबसूरत स्टोरेज एरिया इसमें आ जाता है, गोल्ड लीफिंग का काम है, एबनी वनियर की तरह की पॉलिशिंग इस पर की गई है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ पर आप बैठ के अगर आप खाना खा रहे हो तो आप पूरा फील करें कि
आपको रॉयल स्टाइल की यहाँ पे फीलिंग आएगी और बहुत ही जबरदस्त किस्म की इसकी सेटिंग की गई है। सेंटर में शैंडलियर आ जाता है, वॉल लैंप्स हैं, सीलिंग पे भी मोल्डिंग्स चल रही हैं, वॉल्स पे भी मोल्डिंग्स प्लस वॉलपेपर चल रहा है, तो हर चीज की एक एक डिटेल को इन्होंने फोकस में रखा है। यूजुअली क्लासिकल घर बहुत ओवर हो जाते हैं, बट यहाँ पर गोरमे होम्स ने किसी भी किस्म की चीज को ओवर नहीं होने दिया और यहाँ पर डिजाइनिंग को बड़ा ही प्रॉपरली मैनेज किया गया। हम आ चुके हैं अपने टीवी लाउंज के अंदर। टीवी लाउंज के अगर आप अंदर आए तो सॉलिड वुड के टू डोर्स हैं जो दोनों तरफ ओपन हो रहे हैं, इसमें सेंटर में ग्लास है और ये आ जाती है आपकी खूबसूरत किस्म की जबरदस्त किस्म की मीडिया वॉल। सेंटर में इसकी जो सिटिंग है लाउंज की वो बड़ी ही कोजी सी नियो क्लासिकल टाइप की सिटिंग आ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना ज्यादा गोल्ड का पावर नहीं है, यहाँ पर ब्राउन वुड को ज्यादा से ज्यादा इंट्रोड्यूस किया गया और साथ आपकी वॉल्स जो है वो व्हाइट कलर में एंड क्रीम कलर में वॉलपेपर आ जाता है। एंड पीछे अगेन सैमसंग के स्मार्ट इन्वर्टर आ रहे हैं। सेंटर में कॉफी टेबल आ रही है, नीचे मार्बल पेंट इफेक्ट है और साथ ऊपर हाई ग्लॉस वुडन इफेक्ट आ जाता है। आपकी दो रिलैक्सिंग चेयर्स आ जाती हैं और सेंटर में एक सेंटर टेबल आ जाती है। यहाँ पर एक ऑटोमैन आ रहा है और सामने आपकी फुल साइज की मैसिव किस्म की मीडिया वॉल आ जाती है। यहाँ पर आपके कुछ स्टोरेज बैग्स आ जाते हैं, नीचे इसमें आपके रिमोट्स वगैरह और बाकी चीजें भी आप इसमें रख सकते हैं। यहाँ पर टाइल कटिंग में पूरी फायरप्लेस आ रही है और फायरप्लेस के साथ अगर आप चेक करें तो मैट ब्लैक फिनिश है, व्हाइट करारा व्हाइट टाइल्स को इन्होंने यहाँ पे यूज किया और नीचे अंदर इसमें पेबल्स आ जाते हैं और एंड टेबल्स लैंप्स वॉल लैंप्स पेंटिंग्स हर चीज बड़ी ही सिंक्रोनाइज्ड है आपस में। यहाँ से आपको व्यू आ रहा है आपके किचन का, तो मेन किचन घर का जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। टोटल किचन सॉलिड वुड में है और वुड मोस्टली इस घर में एश वुड यूज की गई है। डोर्स की अगर आप चेक करें तो टू स्प्रेड डोर्स हैं, हैंडल्स बहुत ही जबरदस्त हैं और यहाँ से आपके पास आ जाता है आपका अप्लायंसेस एरिया जिसमें आपके पास डबल डोर सैमसंग की फ्रिज आ रही है, आपके पास फर्टाइल का माइक्रोवेव एंड बेकिंग ओवन आ रहा है, साथ आपके पास इसमें वाटर डिस्पेंसर भी आ जाता है। यहाँ से आपका कंप्लीट फुल साइज का डिश वॉशिंग एरिया आ रहा है जिसमें आपके पास वॉश बेसिन है, साथ आपके पास डिश वॉशर है और यहाँ से आपके पास आ जाता है आपका स्टोव। मेन स्टोव के ऊपर अगर आप चेक करें तो ग्लास स्टोव यूज किया है इन्होंने और साथ ऊपर एक कंप्लीट स्मार्ट हुड है, ऊपर से भी उसको कवर किया है ताकि उसके जो पाइप्स वगैरह हैं वो आपको विजिबल ना हो। पूरी जो आप रैक्स देख रहे हैं यहाँ पे फ्रंट पूरा ग्लास का है, तो आपका शोकेस टाइप यहाँ पर आप अपनी कटलरी को सजा सकते हैं और पेंट्री एरिया इसका बड़ा जबरदस्त है। यहाँ पर अगर आप चेक करें तो कंप्लीट रैक्स हैं, इसमें आपकी सारी पेंट्री आ जाती है और अगर आप इसको बंद कर दें तो बड़ी ही एक यूनिक सी क्लासिकल वाइब है। यहाँ से चलते हैं हम इसके डर्टी किचन की तरफ, सर्विस किचन की तरफ। सर्विस किचन में भी आ जाएं तो आपके पास मार्बल टॉप काउंटर है, बैक स्प्लैश की टाइल अगर चेक करें तो करारा व्हाइट है और यहाँ पर भी अगेन आपके पास सेम शोकेस की तरह के रैक्स आ रहे हैं। यहाँ पे कंप्लीट कुकिंग रेंज आ जाती है, मेनली यहाँ पर कुकिंग होनी होती है घर की तो आपके पास हर फीचर यहाँ पे मौजूद है। इवन के हुड भी यहाँ पे आ जाता है, बड़ा ही जबरदस्त किस्म का सर्विस किचन भी आ जाता है। इवन के यहाँ पे साइड पे सर्विस डोर भी आ जाएगा, तो ओवरऑल कंप्लीट किचन को अगर आप देखें तो ब्राउन एंड व्हाइट का टच दिया है, साथ बड़ी ही जबरदस्त किस्म की इसकी वाइब है। यहाँ से चलते हैं हम अपने एक स्पेशल फीचर की तरफ जो कि मोस्टली घरों में नहीं दिया जाता बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर और यहाँ पर इन्होंने मिस नहीं किया इसको। ये है ब्रेकफास्ट एरिया, फैमिली डाइनिंग एरिया। यहाँ पर आप बैठ के मेनली अपने मील्स एंजॉय करेंगे, खाना एंजॉय करेंगे, शाम की चाय कॉफी एंजॉय करेंगे और पीछे भी अगर आप देखें तो फीचर वॉल है, साइड पे वॉल लैंप्स आ रहे हैं और साइड पे आपके पास कंप्लीट मोल्डिंग्स आ जाती हैं। इसमें भी स्पेशली एक एयर कंडीशनर लगाया गया तो ये बहुत ही चिल्ड एरिया हो जाएगा जब आप इसमें इसको यूज करेंगे। यहाँ से आपका आ जाता है मेन मास्टर बेडरूम, यहाँ पर आ रहा है आपका गेस्ट बेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मास्टर बेड में जाते हैं। इस घर के जितने भी मास्टर बेडरूम्स हैं उनको इन्होंने कंप्लीट रॉयल स्टाइल की फील दी है कि यू विल फील लाइक एन एम्परर या आप किंग फील करेंगे इसमें आते साथ ही। ये बहुत ही लग्जरी वाइब है इसकी, गोल्डन ब्राउन एंड पीछे अगर आप चेक करें तो ऑफ वाइट क्रीम ब्राउन बेजल्स हैं, साथ जो मोल्डिंग्स हैं टोटली पॉलिश मोल्डिंग्स हैं और सेंटर में एक शैंडलियर आ जाता है। अगर आप इसकी बेडिंग चेक करें बहुत ही जबरदस्त किस्म के ऑटोमैन है सामने और सॉलिड वुड की लेग्स हैं इसकी। साइड टेबल भी मैसिव किस्म के साइड टेबल्स हैं और साथ आपके टेबल लैंप्स भी आ जाते हैं इसके ऊपर एंड जो मैट्स यूज किए हैं वो भी सिंक्रोनाइज्ड हैं प्रॉपर आपके घर के थीम के साथ। यहाँ पर आ जाएगा आपका ड्रेसिंग एरिया, ड्रॉर्स हैं इसमें कंप्लीट और बड़ा ही जबरदस्त किस्म का इसका मिरर आ जाता है। मिरर की साइड पर डिटेल्स अगर आप चेक करें तो बड़ी ही एलिगेंट है। ये आपकी मीडिया वॉल आ जाएगी, मीडिया वॉल में भी अगर आप चेक करें तो कंप्लीट सैमसंग का स्मार्ट टीवी आ जाता है। इवन टीवी लाउंज में भी इसका एलईडी स्मार्ट टीवी लगा हुआ है सैमसंग का और साथ आपका ये आ जाती है बेडरूम सेटिंग। यहाँ से चलते हैं इसके मेन बाथरूम की तरफ एंड वो भी आपको चेक कराते हैं। सो यू कैन सी दैट कि बाथरूम के अंदर अगर आप एंटर हो तो एक बहुत ही लग्जरी सी वाइब है इसकी। मास्टर बाथ के सामने ही आपके पास
कंप्लीट वार्डरोब्स आ जाती है, तो आपका वॉक इन क्लोजेट भी अंदर है और साथ ही साथ इसमें आपका पूरा मास्टर बाथ की कंप्लीट जो इसमें एक्सेसरीज हैं सब कुछ इसमें फिटेड है। अगर आप इसकी जकूजी चेक करें तो इसमें भी जटर्स हैं, कोल्ड एंड हॉट हीटिंग सिस्टम है इसमें, साथ पीछे अगर आप फीचर टाइल चेक करें तो पीछे ब्रास के यूज किए इन्होंने और साथ ग्लिटर्ड शिमर टाइल है, और यहाँ से अगर आप चेक करें तो सॉलिड ग्लास की आपके पास शावर कैबिन आ जाता है, रेन शावर सिस्टम है एंड जितनी भी इस घर में फिटिंग्स हैं वो सारी ग्रोही की हैं, तो क्वालिटी इज स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ। यहाँ पर आपका कंसील टॉयलेट आ जाता है, मार्बल टॉप निशेज हैं, तो यहाँ पे कोरियन को इन्होंने कम से कम यूज किया और मार्बल टॉप्स को सबसे ज्यादा यूज किया है। इवन व्हेन यू लुक एट द वैनिटी, सॉलिड वुड के नीचे से वैनिटी आ जाती है, स्मार्ट इसका जो है वो जबरदस्त किस्म का मिरर आ जाता है क्लासिकल स्टाइल का, और ऊपर आपका मार्बल टॉप काउंटर है और साथ रोही की ही इसमें फिटिंग्स हैं। चलते हैं गेस्ट बेड की तरफ, गेस्ट बेड भी आपको चेक कराते हैं। और इस घर के डोर्स की अगर आप डिजाइन चेक करें तो बहुत ही जबरदस्त किस्म की फाइन क्वालिटी के डोर्स हैं, डोर्स आर ऑल्सो फ्रॉम गोरमे फर्नीचर्स, तो आप डोर्स भी स्पेसिफिकली बनवाना चाहें तो वो भी बन जाते हैं, फर्नीचर बनवाना चाहें तो वो भी बन जाता है, एंड इवन देयर होल प्रोजेक्ट इज डिजाइन बाय देमसेल्फ। बहुत ही खूबसूरत किस्म का जबरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है, क्वालिटी में कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यहाँ पर आप चेक करें तो आप गेस्ट बेड में आ चुके हैं, पीछे आपके पास एक फुल साइज की वॉल आ जाती है, बेड वॉल में अगर आप मोल्डिंग चेक करें तो बड़ी ही जबरदस्त किस्म की डिवीजन की गई है कि सिमेट्री इसकी बड़ी प्रॉपर है, और यहाँ से आपका एक क्लासिकल बेड आ जाता है। यहाँ पर रॉयल स्टाइल को और रॉयल लुक को जरा थोड़ा सा नैरो डाउन किया गया, यहाँ पर आप बेड की चेक करें और साथ इसमें अगर आप कर्टन्स देखें तो यहाँ पर एक वो रॉयल फील को जरा सा मदम कर दिया उन्होंने। बेडरूम सिटिंग इधर आ जाएगी, मीडिया वॉल आपकी इधर आ जाएगी, दे हैव आल्सो इंक्लूडेड द स्मार्ट टीवी इन द चाइल्ड बेड, और यहाँ पर आपका आ जाता है ड्रेसिंग एरिया, सामने मिरर आ जाएगा और साइड फ्लूटेड पैनल्स हैं। यहाँ से चलते हैं हम इसके बाथरूम की तरफ, एंड बाथरूम भी आपको चेक करते हैं, बाथरूम की भी बहुत जबरदस्त वाइब है। आप देख सकते हैं ये ऑनिक्स स्टाइल की टाइल्स आ जाती हैं, यहाँ पे सामने अगर आप देखें तो वैनिटी है, वैनिटी भी बहुत ही यूनिक है क्लासिकल, वैसे यूजुअली क्लासिकल घरों में बहुत चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है, बिकॉज अगर आप क्लासिकल डिजाइन कर सकते हैं तो यू कैन डिजाइन एनीथिंग, एंड दिस इज अ बेस्ट हाउस दैट आई हैव सीन सो फार, कि क्लासिकल डिजाइनिंग में बहुत ही टॉप क्लास की चीजें यूज की गई है। इवन यू कैन सी राउंड मिरर टॉप मार्बल का है इसमें, अगेन आपकी जो वैनिटी है वो सॉलिड वुड की है, आपकी पूरी वार्डरोब्स आ रही है साइड पे, एंड एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया, जो मास्टर बेडरूम था इसका उसमें एयर कंडीशनर भी है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाता है शावर कैबिन एरिया, कंसील्ड टॉयलेट इस तरफ आ जाएगा, एंड कंसील्ड शावर एरिया आ रहा है, ऊपर रेन शावर सिस्टम लगा हुआ है, पीछे भी फुल निश दे दी गई है, और साथ आपके पास विंडो है और निश के ऊपर मार्बल यूज किया गया, पीछे ग्रे कलर की ग्रे ट्रेवर्टिन स्टाइल की टाइल आ जाती है। यहाँ से हम चलते हैं इसके बेसमेंट की तरफ, बेसमेंट में एक पूल है, मिनी थिएटर है, और साथ इसमें एक होम ऑफिस है, साथ इसमें बेडरूम है, एंड बड़ी जबरदस्त किस्म की वाइब है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर भी दिखाते हैं। यहाँ पर एक चीज अगर आप चेक करें तो इसका जो टेबल है वो कंप्लीटली कैंटिलीवर्ड है, नीचे से आपके पास कोई लेग्स नहीं है, तो इट इज अ फ्लोटिंग टेबल, यहाँ से बड़ी जबरदस्त किस्म का इसका फीचर आ जाता है। और यहाँ से चलते हैं हम इसके बेसमेंट की तरफ, और बेसमेंट से पहले आपको अगर इसकी चीज दिखाएं तो यहाँ पर आपके पास एलिवेटर मैंने पहले भी मेंशन किया, बेसमेंट में एलिवेटर से भी जा सकते हैं और यहाँ से आप नीचे उतर के अपनी बेसमेंट में जा सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आ जाता है आपका पाउडर बाथ, जो कि आपकी लॉबी के अंदर ही है, आपकी जो पब्लिक एरियाज हैं उनको एक्सेस यहाँ पर रहेगी, और जबरदस्त किस्म का पाउडर बाथ है, ग्रे टाइल्स हैं, कंप्लीट स्लिट्स में है, और साथ इसमें कटिंग्स देखी तो इन्होंने ब्रास की कटिंग्स यूज की हैं, साथ विंडो आ जाती है, मार्बल को इन्होंने एजेस में यूज किया, और कंसील्ड टॉयलेट जो है इसके ऊपर ही जबरदस्त है, इवन ग्रोही की फिटिंग्स हैं सारी। और यहाँ पर अगर आप बाउल देखें तो रॉयल स्टाइल का कंप्लीट बाउल है, पीछे मिरर है, वॉल लैंप्स हैं, और बड़ा ही जबरदस्त किस्म का इसका पाउडर बाथ है। यहाँ से चलते हैं बेसमेंट में, बेसमेंट में आपको मिलते हैं फॉलो। नाउ वी आर इन द बेसमेंट, और ये पैराडीजो मार्बल लगा हुआ है नीचे, अगर आप चेक करें तो बहुत ही जबरदस्त किस्म की इसकी भी वाइब है। इवन के जो वेस्ट स्पेसेस होती हैं वहां पर भी इन्होंने प्रॉपर काम किया हुआ है, आपके पास डेकोरेटेड जेस्चर आ जाता है, और साथ आपके पास वॉल लैंप्स हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स भी आपके सामने नजर आ रहे हैं, सेंटर टेबल आ जाती है, ऊपर एक हॉर्स का स्कल्पचर आ जाता है, यहाँ से आपका एलिवेटर का भी पॉइंट आ जाता है, आप यहाँ से बटन दबाएं तो आपका एलिवेटर नीचे आ जाएगा, पीछे भी अगर आप चेक करें तो पेंटिंग आ जाती है, और बेसमेंट के अंदर आते साथ ही तो हाइट काफी ऊंची है, तो आपको बेसमेंट में आके भी बेसमेंट की फील नहीं आ रही। और यहाँ पर आ जाता है आपका पाउडर बाथरूम, जो कि आपके पब्लिक एरिया को एक्सेस देगा, जैसे कि इसमें थिएटर है और साथ आपके पास इसमें होम ऑफिस है, तो पाउडर बाथ के अंदर अगर आप आए तो ग्रे कलर की बहुत ही खूबसूरत किस्म की ये जो टाइल्स है, यहाँ पर मार्बल का स्टाइल है, ट्राजो स्टाइल है, और यहाँ पर आपके पास मार्बल की बेजल आ जाती है, और साथ मेन स्मार्ट मिरर आ जाता है, क्योंकि इसमें पाउडर बाथ के अंदर भी ग्रोही की फिटिंग्स हैं। एलिवेटर अगेन यहाँ पर आ गया आपका, और यहाँ से आपका आ जाता है आपका होम ऑफिस। होम ऑफिस के अंदर अगर आप आए तो यहाँ पर आपके पास एक बड़ी ही जबरदस्त किस्म की न्यू क्लासिकल वाइब है,
बेसमेंट में जैसे ही आए तो डिजाइन को जरा टोन डाउन कर दिया गया है, नियो क्लासिकल की तरफ मूव कर दिया गया है, ऊपर जरा हार्ड कोर क्लासिकल रॉयल स्टाइल के थीम से यहाँ पर आपका बड़ा ही सॉफ्ट से डिजाइनिंग को यूज किया गया। आप देख सकते हैं मोल्डिंग्स के डिजाइन, इवन के ऊपर जो कर्व्स हैं वो भी डिफरेंट है फर्स्ट फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से। यहाँ पर आपके पास एक वर्ल्ड मैप की आर्टवर्क आ जाता है और साथ सिटिंग आ रही है, यहीं से आपका पूल का व्यू आ जाता है और साथ विंडो भी आ जाती है, और ये आपका आ जाता है मेन डोर। और यहाँ से चलते हैं हम इसके थिएटर की तरफ, पूल पे भी दिखाते हैं आपको, सबसे पहले थिएटर देखें फिर पूल की तरफ आते हैं। यहाँ से आपके एंट्रेंस है डबल डोर के साथ थिएटर की, और साथ ही साथ इसमें कंप्लीट फुल साइज का थिएटर आ जाता है। यहाँ पर अगर आप देखो फुल कॉर्नर सोफा है, और यहाँ पर आपकी मेन मेजर चेयर आ जाती है जो कि बड़ी ही जबरदस्त किस्म की अर्बन स्टाइल की चेयर्स है यहाँ पे। और यहाँ से अगर आप चेक करें तो आपका नीचे कंसोल आ रहा है, साथ इसमें 3D सराउंड साउंड सिस्टम है, प्रोजेक्शन स्क्रीन है जो कि रोलेबल है, और सीलिंग बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पर आपका लेदर चेयर आ रहा है बहुत ही जबरदस्त किस्म की, और पीछे भी आपके मॉनिटर्स आ जाते हैं स्पीकर के जो कि आपको साउंड आपके हर तरफ से देंगे। ऊपर आपका 4K प्रोजेक्टर है, पीछे भी अगर आप चेक करें तो यहाँ से आपको पूल का व्यू आ रहा है। यहीं से चलते हैं पूल की तरफ, देन आपको लास्ट एरिया दिखाते हैं बेसमेंट के, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर भी दिखाते हैं। यहाँ से आप आ जाते हैं अपने पूल के अंदर, पूल के भी डोर्स को काफी वाइड रखा गया, और ये आपका आ रहा है फुल साइज का मल्टी डेप्थ पूल। यहाँ पे स्लोप में इसको बनाया गया है तो आपकी यहाँ से डेप्थ ज्यादा है, वहां से आप कम है, तो बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं, बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं। कंप्लीट बॉर्डर जो है वो इसका मार्बल में है, और सामने आपके पास बेडरूम को विंडो नजर आ रही है। यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास टीवी लाउंज में आ रही है, साथ आपके सनकिन एरियाज में आ रही है, और ये आपका एक मिनी सर्विस किचन आ जाता है। आपके पास तकरीबन इसमें 4 किचन हैं, 1 एंड एक लॉन्ड्री एरिया है, ऊपर भी 2 है, बल्कि 5 किचन आ जाते हैं इसमें। बड़ा ही जबरदस्त किस्म का ये भी सीन मिल जाता है। यहाँ से अगर आप चेक करें तो आपका स्टोरेज एरिया आ रहा है, और ये आ रहा है पूल के लिए स्पेशली पाउडर बाथ, तो इसमें बाथरूम्स की भी कमी नहीं, आई थिंक 9 बाथ इसमें है। और आप देख सकते हैं कि इसको भी प्रॉपरली डिजाइन किया है, पीछे आपके पास शावर एरिया भी आ रहा है, साथ आपका कमोड आ जाता है, और यहाँ पर आपके पास वैनिटी आ जाती है, ऊपर उसके ग्रोही की फिटिंग्स यूज की हैं। और यहाँ से चलते हैं हम अपने बेसमेंट के बेडरूम की तरफ, वो भी देखते हैं, आपको ऑफिस का व्यू भी आ रहा है, तो व्यूज के ऊपर बड़ा काम किया, हर विंडो से एक फ्रेमिंग हो रही है प्रॉपर, और मोल्डिंग्स को बड़ा जबरदस्त तरीके से यूज किया गया है। अब ये जो डेड एंड डेड वॉल आ रही है आपकी, यहाँ पर भी स्क्वायर मोल्डिंग्स को यूज करके और ऊपर एक वॉल फिक्स्चर लगाया गया है। यहाँ से अगर आप चेक करें तो आपका लॉन्ड्री प्लस बेसमेंट का किचन आ जाता है, मेन किचन आ जाता है। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक स्टोव कनेक्ट करें और आपका फुल साइज का किचन बन जाएगा। आपके पास लॉन्ड्री एरिया है, पीछे ड्राइंग एरिया, सिंकिंग एरिया आ जाता है, और नीचे आपके पास पूरी कैबिनेट्स हैं, इवन के ऊपर भी आपका फुल साइज की कैबिनेट्स आ जाती है। यहाँ से हम चलते हैं बेसमेंट के लास्ट बेडरूम की तरफ, उसके बाद आपको फर्स्ट फ्लोर के भी 3 बेड्स दिखाने हैं अभी। यहाँ से अगर आप चेक करें तो आपके पास सॉलिड वुड स्टड्स के साथ बैक है बेड की, और बड़ी ही कंप्लीट आई थिंक 5 feet हाई बैक है, और साथ आपके पास कंप्लीट मोल्डिंग्स आ रही हैं। साइड टेबल्स भी अगर देखें तो एटलीस्ट 3 feet वाइड साइड टेबल्स हैं, ऊपर लैंप्स हैं, और बेडिंग्स बहुत ही खूबसूरत हैं, पिलोज को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया यहाँ पे। और ये आपकी आ जाती है मीडिया वॉल, हर वॉल को अगर आप चेक करते जाएँ तो आपको मजा आएगा। और यहाँ से अगर आप चेक करें तो आपकी हाई ग्लॉस फिनिश में ड्रेसिंग एरिया आ रहा है, सामने मिरर आ जाता है। और चलते हैं इसके बाथरूम की तरफ, बाथरूम भी अगर आप चेक करें इसका बेसमेंट का, तो इसमें भी कहीं पर कॉम्प्रोमाइजेज नहीं किए गए हैं, कहीं पे भी किसी चीज़ को कम नहीं किया गया। आपके पास कंप्लीट सेम साइज सेम स्टाइल का, जिसमें आपके पास ग्राउंड फ्लोर पे थे उसी तरह के बाथरूम यहाँ पर आ जाता है। वुडन स्टाइल की वैनिटी है, ऊपर मार्बल टॉप है, सामने मिरर आ जाता है, और ये आ जाता है आपका शावर कैबिन। ग्लास का डोर है सेंटर में, और साइड पे इसकी हिंजेस हैं। यहाँ पर आपके पास इन्होंने कंसील्ड शावर की जगह ग्रोही के ही हैंड शावर दे दिया, और साथ आपके पाइप्स वगैरह बड़े डिसेंट किस्म के हैं, बड़े डिफरेंट किस्म के आपके पाइप्स जा रहे हैं यहाँ से। और ये आपके पास फुल साइज की विंडो आ जाती है जो कि सनकिन एरिया में ओपन होती है। और चलते हैं इसके अब हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ, फर्स्ट फ्लोर भी दिखाते हैं, लेकिन हम जाएंगे एलिवेटर से, और बड़े मजे के व्यूज हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर के भी, तो डोंट मिस एंड लेट्स गो। फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं, आपने देखा कि एलिवेटर की एक्सेस बहुत ही आसान है, और साथ आपके पास स्टेयर केस भी राउंड में आ रहा है, तो यहाँ पर आप भी स्टेयर केस की एक्सेस भी आ गई आपके पास, प्लस एलिवेटर भी आ गया, तो हर तरह के लोग, बच्चे बड़े सब लोग दोनों तरह से जिस तरह से चाहें यूज़ कर सकते हैं। आपके पास सामने बिल्कुल जो स्टेयर केस की लैंडिंग आ रही है, यहाँ पर आपके पास फुल साइज़ की विंडो आ रही है, तो प्लानिंग में इन्होंने कहीं पर भी नेचुरल लाइट को ब्लॉक नहीं किया है। इवन कि आप फ्रंट पे देखें तो मेन डोर के ऊपर भी एक इन्होंने स्क्वायर विंडो दिया है, और साथ टेरेस के एरिया के एक्सेस के लिए भी यहाँ पर आपके पास डोर्स प्लस विंडोज आ जाती हैं। और अगेन रेलिंग बहुत ही जबरदस्त साइज की है, और शैंडलियर आपके पास मैसिव साइज का आ रहा है। मोल्डिंग्स अगेन आपके पास सामने नजर आ रही हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्म के व्यूज को इन्होंने स्पेशली माइंड में रख के डिजाइनिंग की हुई है। यहाँ से आपकी टेरेस की एक्सेस भी आ जाती है, यहाँ से टेरेस पे चलते हैं, टेरेस के बाद आपको बाकी 3 बेडरूम्स भी दिखाते हैं। टेरेस पर आप आए तो आपके पास कम्प्लीट
प्राइवेट एरिया आ जाता है जो कि आप नेचुरल लाइट को एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। और सामने अगर आप इसकी फीचर वॉल चेक करें तो फुल साइज की फायरप्लेस आ रही है, साथ इसमें रॉट आयरन की ग्रिल्स आ रही हैं, प्राइवेसी ग्रिल, साथ बेम्बू प्लांटेड है यहाँ पे और नीचे प्लांटर्स आपके बन जाते हैं। आउटडोर फर्नीचर बड़ा ही जबरदस्त किस्म का यहाँ पर आ जाता है और साथ आपके चेयर्स को अगर डिजाइनिंग चेक करें तो वीविंग पैटर्न में है और ऊपर जो इसकी टेबल टॉप है वो टाइल में यूज किया इन्होंने। यहाँ से वापस चलते हैं, आपको फर्स्ट बेडरूम दिखाते हैं, उसके बाद में टीवी लाउंज भी है, किचन भी है, सो डोंट मिस एनीथिंग। टेरेस से हम वापस आ चुके हैं और अगर आप फ्लोरिंग चेक करें तो 2.5x5 की फुल साइज की करारा वाइट टाइल आ जाती है और अगेन हम अपने फर्स्ट बेडरूम में एंटर हो चुके हैं, फर्स्ट फ्लोर के जो कि एलिवेशन साइड की तरफ है। इसमें भी जो क्लासिकल मोल्डिंग्स है उनको जरा न्यू क्लासिकल की तरफ मूव किया गया और साथ अगर देखें तो फुल साइज की फ्रेमिंग हुई हुई है और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपके फुल साइज का फ्रंट विंडो आ जाता है जो कि डोर्स हैं, साथ आपके पास मेन टेरेस एरिया आ रहा है और यहाँ से आपकी आ जाती है मीडिया वॉल। मीडिया वॉल के भी अगर आप पैनलिंग चेक करें, गोल्डन स्ट्राइप्स चेक करें और साथ नीचे मीडिया कंसोल चेक करें तो बड़ा ही यूनिक एंड डिफरेंट सा है। यहाँ पे आपका स्टडी डेस्क प्लस आपका ड्रेसिंग भी एरिया भी यहीं पर आ जाता है और ये आ जाता है आपका मेन बेडरूम का बेड। और पीछे इसकी बैक चेक करें तो फुल हाइटेड फुल वॉल के ऊपर बैक दे दिया उन्होंने और साइड पे दो मिरर्स हैं, साथ बड़े ही ज़बरदस्त किस्म का ऑटोमैन और साथ रग्स आ जाते हैं। रग्स भी इसमें सारे हैंड वीव रग्स हैं तो ओवरऑल क्वालिटी अगर आप चेक करें रूम की बड़ी ही टॉप क्लास है। यहाँ से आप चेक करें तो आपका बाथरूम आ जाएगा, बाथरूम में अगेन वैनिटीज जो हैं वो नीचे से वुडन है, ऊपर मार्बल टॉप है, वाइट कलर का मार्बल यहाँ पे यूज़ किया है एंड अगेन वाइट कलर की टाइल्स हैं ओवरऑल बाथरूम में। फुल साइज का मिरर आ जाता है यहाँ पर और आपका कमोड यहाँ पर आ जाएगा, टॉयलेट एरिया में भी आपका मुस्लिम शावर है, यहाँ से आपका आ जाता है शावर एरिया और शावर कैबिन के साथ है। यहाँ पे आप इसको क्लोज करें तो बस कंप्लीट शावर कैबिन आ जाता है। इवन के इसमें स्पेसिंग चेक करें तो फुल आर्म लेंथ की इसमें स्पेसिंग आ जाती है, फुल साइज की आर्म लेंथ आपके पास आ रही है और यहाँ पर अगर आप देखें तो अगेन रोही का ही शावर है। यहाँ से चलते हैं अपने बेडरूम्स की तरफ और यहाँ पर आ जाता है आपका वार्डरोब एरिया। अगर आप चेक करें तो एल्युमिनियम के प्रोफाइल्स हैं, मर्क्यूरी ग्लास हैं और साथ इसमें हिंजेस अगर आप चेक करें तो हाइड्रोलिक हिंजेस हैं जो कि सॉफ्ट क्लोजिंग को सपोर्ट करती हैं। और यहाँ से आ जाते हैं हम अपने टीवी लाउंज की तरफ, फर्स्ट फ्लोर का बड़ा ही स्मार्ट सा टीवी लाउंज इन्होंने दे दिया यहाँ पे और सॉलिड वुड के डोर्स की ओपनिंग है और साथ आपके पास नेचुरल लाइट की यहाँ बिल्कुल भी कमी नहीं है। पीछे भी आपके पास टेरेस आ रहा है और छोटा सा आपके पास एरिया आ जाता है जहाँ पे आप अपनी सिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, साथ पीछे नेचुरल लाइट के लिए बड़ा अच्छा एरिया है और यहाँ से आपके पास फ्रंट पे टेरेस का व्यू आ जाएगा। मीडिया वॉल अगर आप चेक करें तो पीछे सीमलेस पैटर्न में दो फुल साइज की टाइल्स आ जाती हैं और पीछे आपके पास नीचे कंसोल टेबल आ रहा है और साथ आपके पास फ्लूटेड पैनल्स हैं, ऊपर वॉल लैंप्स हैं और स्मार्ट LED TV आ जाता है। सिटिंग की अगर आप बात करें तो नीचे रग है, राउंड कॉफी टेबल आ जाती है सेंटर में, इसके ऊपर जो डेकोर्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, आपके पास चेस पीसेज हैं बड़े खूबसूरत किस्म के, मैट ब्लैक सॉरी जेट ब्लैक कलर की फिनिश में है और यहाँ पर आ जाता है आपका लव सीटर सोफा, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का फैब्रिक है, इसके ऊपर कोर्ड एक्रेलिक की तरह की फैब्रिक की फील है और साथ आपके पास दो फुल सॉलिड साइज की चेयर्स आ रही हैं। यहाँ से हम चलते हैं अपने स्टोर रूम को, यहाँ पर आ जाएगा आपका और ये आ जाता है आपका सर्विस किचन फॉर द फर्स्ट फ्लोर, कोरियन टॉप इसका जो है वो काउंटर है, साथ आपके पास ग्रे पेंटेड पूरी इसकी कैबिनेट्स हैं और सामने आपके पास बड़ी हिडन स्टाइल की इन्होंने पैनलिंग दे दी है और साथ आपके पास माइक्रोवेव ओवन भी आ रहा है फुल साइज का। और ये आ जाता है मास्टर बेडरूम फर्स्ट फ्लोर का एंड ये आ जाता है गेस्ट बेड, फर्स्ट फ्लोर के मास्टर बेडरूम में चलें तो अगेन यू कैन फील द रॉयल एसेंस हियर। और यहाँ पर आपके पास ऑफ वाइट कलर की वुड है और बेज कलर में ओवरऑल टेक्सचर फैब्रिक हैं और यहाँ पर आपके पास ऑटोमैन भी बहुत ही ज़बरदस्त है, फिट इसकी स्टिचिंग, इसकी क्वालिटी, इसका फैब्रिक, हर चीज़ को बड़ा ही प्रॉपरली सिंक्रोनाइज किया गया है। पीछे अगर आप बैक वॉल चेक करें तो मोल्डिंग्स हैं, वॉलपेपर्स हैं और साथ आपके पास फुल साइज का मिरर आ रहा है और साइड टेबल्स भी फुल हैवी किस्म के साइड टेबल्स इन्होंने दे दिए हैं यहाँ पे। एंड टेबल्स भी अगर आप चेक करें तो ग्लास की हैं, सॉलिड वुड की, साथ आपके पास एक फुल मीडिया कंसोल आ रहा है, पीछे मीडिया वॉल को भी प्रॉपरली बनाया गया है और LED को भी प्रोजेक्टेड करने के लिए इन्होंने पीछे एक वॉल पैनल दिया और साथ उसके ऊपर स्मार्ट TV आ जाता है। ये आ रहा है आपका ड्रेसिंग एरिया और ड्रेसिंग को भी अगर आप देखें तो फिनिश बहुत ही स्मूथ है इसकी और अगर आप इस मटेरियल की क्वालिटी चेक करें बहुत ही टॉप क्लास है। सामने आपके पास फुल साइज का मिरर आ रहा है और ये आपके पास एरिया आ रहा है आपकी टेरेस की तरफ तो टेरेस आपको बड़ा ही जबरदस्त किस्म की नेचुरल लाइट दे रहा है, तकरीबन हर रूम को टेरेस मिल रहा है। और ये आ जाता है आपका मास्टर बेड का मास्टर बाथरूम और यहाँ पर आप देखें तो आपके पास अगेन वैनिटी आ रही है, सेम कलर स्कीम को यहाँ पर भी लेके आए, इवन के मिरर में आप चेक करें तो जिस तरह का फर्नीचर था उसी तरह से यहाँ पर भी आ जाता है और सॉलिड किस्म की वैनिटीज है, ये आपकी 15-20 साल भी कहीं पर नहीं जाएंगी, आप देख सकते हैं जिसकी इसकी एक तो क्लीनिंग बहुत आसान है, इसको मेंटेन रखना बहुत आसान है, सर ग्रोही की फिटिंग्स आ जाती हैं, सामने आपके पास कुछ डेकोरेशन पीसेस हैं और साथ आपके पास जिगुजी आ रहा है, पीछे विंडो आ जाएगी और जिगुजी की जो पीछे बैक वॉल फीचर वॉल बनाई है उसमें ग्रेट डार्क ब्राउन टाइल यूज की गई है और साथ बेज कलर है, निशेज के अंदर भी इन्होंने
बड़ी जबरदस्त किस्म की मोज़ेक स्टाइल की टाइल यूज किया गोल्डन में और कंसील्ड टॉयलेट के इधर आ जाता है। यहाँ से आ जाता है आपका शावर कैबिन, रेन शावर सिस्टम इज ऑन द टॉप। यहाँ पर आपके पास कंसील्ड शावर आ रहा है, यहाँ पर आपका ड्रेन आ जाएगा और दोनों तरफ ग्लास दिया है ताकि आपके जो पानी के जो ड्रॉप्स हैं वो आपकी वैनिटी को और आपके जो टॉयलेट एरियाज को खराब ना करें। और यहाँ पर आपकी सॉलिड किस्म की वार्डरोब्स आ रही हैं, बड़ी जबरदस्त किस्म के। इवन के अंदर भी देखें तो इन्होंने एक स्मार्ट लाइट दी हुई है और साथ सॉफ्ट क्लोजिंग, ऊपर मिरर्स हैं, सॉलिड वुड की इसकी फिनिश है। तो ये था जी हमारा फन कनाल कोरमे होम्स का जबरदस्त किस्म का घर। लास्ट बेडरूम रह गया, अभी आपने कहीं पर जाना नहीं है, यहाँ से आ जाते हैं हम लास्ट बेडरूम की तरफ। बैक चेक करें और बेडरूम की एक कंप्लीट वाइब ही डिफरेंट है बाकी पूरे एरिया से। बहुत खूबसूरत किस्म का यहाँ पर इन्होंने मोल्डिंग्स को यूज़ किया है, वॉल पैनल्स की जो ग्रूव्स हैं वो बड़े डिफरेंट मल्टी एंगल्स में ग्रूव्स आ रहे हैं। साइड टेबल्स भी फुल साइज की आ रही हैं, 5 feet हाइटेड बैक आ रहा है। स्टड्स की अगर आप क्वालिटी देखें तो कॉपर के स्टड्स लग रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपके पास फुल साइज का रॉयल स्वीट स्टाइल का बेडरूम आ जाता है। सामने ऑटोमन है और यहाँ पर आपका आ रहा है मीडिया वॉल का मीडिया यूनिट और पीछे भी अगेन वॉल की सेम जो डिज़ाइन फिलोसफी है वो सेम रखी गई है। हर बेडरूम की कम्प्लीटली डिफरेंट वाइब रखी गई है। और ये आ जाता है आपका ड्रेसिंग एरिया, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मैट फिनिश है पॉलिश की। और यहाँ पर आपके पास फुल साइज़ का मिरर आ रहा है, आपके पास ब्रास है, साथ आपके पास वुड का फ्रेम है और हाई क्वालिटी मिरर है। और यहाँ पर आपका एयर कंडीशनर भी आ जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर आपका लास्ट बाथरूम आ जाता है घर का। सामने आपके पास वार्डरोब्स आ रही हैं और वार्डरोब्स के अंदर अगेन इन्होंने फुल साइज़ के रैक्स दिए हैं और इसके सॉफ्ट क्लोजिंग डोर्स दिए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप आएँ तो आपके पास एक ज़बरदस्त किस्म की मल्टी कलर्स में टाइल्स हैं, पीछे भी नेचर प्रिंट को बड़ा इंट्रोड्यूस किया गया है, वैनिटीज आ रही हैं। बॉर्डर्स भी अगर आप चेक करें तो रियल मार्बल यूज किया गया है। शावर कैबिन के अगर आप अंदर आ जाएं तो आपके पास पीछे फुल साइज की विंडो है और आपके पास एक फुल्ली और एक जबरदस्त किस्म का ग्रोही का शावर आ जाता है। और ब्लाइंड्स पूरे घर में हैं, टॉवल रैक्स और साथ आपके पास टिश्यू रैक, साथ आपके मुस्लिम शावर, हर चीज इस घर में, एक एक चीज की डिटेल जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो ये था जी हमारा वन कनाल लग्जरी हाउस डिजाइन बाय गोरमे होम्स एंड फर्निश्ड बाय गोरमे फर्नीचर्स। अगर आपको ये घर खरीदना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप ये घर खरीदना चाहते हैं तो आज ही आप इस घर के मालिक बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है इस घर को खरीदने के तो अल्लाह ताला आपको बहुत जल्द इससे बेहतर, इससे अच्छा घर भी देगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, इससे बेहतर घर लेके आएंगे और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।